दोस्तों, सनी देओल और दुलकर सलमान की फिल्म चुप द रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट का ट्रेलर अभी अभी रिलीज हो गया है। ट्रेलर काफ़ी कमाल का है। क्या कुछ है ट्रेलर में, क्या रहने वाली है इसकी कहानी, सब कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बेल, मेरा नाम है शोभित यादव और इस यूट्यूब चैनल पर हम रिव्यू, रिएक्शन और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। दोस्तों, देखने में ट्रेलर काफ़ी दिलचस्प लग रहा है, जो कई रहस्यों से घिरा हुआ है। ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जो पुरानी फिल्मों के जरिए अपने टारगेट को ढूंढता है और उन्हें उसी स्टाइल में मारता है। उसका हुकमार्क स्टार है, वो जिसका कत्ल करता है उसके शरीर पर स्टार के मार्क छोड़ देता है। ये खेल स्टार का है। फिल्मों को मिलने वाली रेटिंग्स के आधार पर किलर अपना शिकार ढूंढता है। ट्रेलर देखकर स्पष्ट होता है कि वाकई ये कहानी एक आर्टिस्ट के रिवेंज की है। सनी देओल इस फिल्म में एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भूमिका में नज़र आ रही हैं, वहीं पूजा भट्ट भी एक दमदार किरदार में हैं। श्रेया और दुलकर सलमान को लेकर सस्पेंस बना है। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि इन दोनों में से ही कोई एक सीरियल किलर है, लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट भी हो सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ ट्रेलर रिलीज किया गया है जो सीरियल किलर की भूमिका पूरी तरीके से रहस्य बनाए हुए है। दोस्तों, कहानी तो काफ़ी अच्छी होने वाली है इसकी, बिल्कुल कठपुतली फिल्म की, जो कि अक्षय कुमार की अभी अभी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई है। उसमें सीरियल किलर कठपुतली छोड़कर जाता है, इसमें स्टार मार्क बना के जाता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर स्टोरी यूनिक है तो दमदार है। इसके अलावा अगर हम BGM की बात करें तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फुल मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है जो कि पुराने टाइम का है। मुझे लगता है व्यूअर्स काफी ज्यादा इसे पसंद नहीं करने वाले हैं। जितनी मूवी चलेगी सनी पाजी के ऊपर चलने वाली है, क्योंकि मेन फोकस पूरी मूवी में उन्हीं पर बना के रखा गया है। बाकी का इस फिल्म को, इस ट्रेलर को मैं स्टार दूंगा 3/5। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताना आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, साथ ही साथ हमारी वीडियो कैसी लगी। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी हर एक अपडेट, रिव्यू, रिएक्शन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचते रहें।